चॉकलेट कैंटुकी बिस्किट्स कुरकुरे टस्कनी कुकीज हैं, जो डार्क चॉकलेट के टुकड़ों से भरपूर होते हैं। गर्म पेय या विन सांतो में डुबो कर खाने के लिए उत्तम होते हैं। इन स्वादिष्ट बिस्किट्स को बनाने के लिए आपको 250 ग्राम मैदा, 200 ग्राम चीनी, 2 पूरे अंडे प्लस 1 योल्क ब्रशिंग के लिए 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक की जरूरत होगी। इसके अलावा जरूरत पड़ेगी 100 ग्राम डार्क चॉकलेट टुकड़ों में 50 ग्राम पिघला हुआ मक्खन और 1 चम्मच वेनिला एक्सट्रैक्ट या 1 नींबू के छिलके का कद्दूकस किया हुआ। ये आखिरी 2 सामग्री वैकल्पिक हैं। ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करना शुरू करें। 1 बड़े कटोरे में मैदा को चीनी, बेकिंग पाउडर और नमक के साथ मिलाएं। फिर अंडे मिलाएं, पिघला हुआ मक्खन डालें और अगर आप चाहें तो वेनिला एक्सट्रैक्ट या कद्दूकस किया हुआ नींबू का छिलका भी डालें। एक सजातीय मिश्रण प्राप्त करने के बाद डार्क चॉकलेट के टुकड़ों को मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को एक बेलान बोर्ड पर रखें और लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर चौड़ाई के 1 या 2 लंबे लॉग बनाएं। अंडे की जर्दी से लॉग्स को ब्रश करें और उन्हें 20 से 25 मिनट तक या जब तक वे सुनहरे और स्पर्श में सख्त न हो जाएं, तब तक बेक करें। ओवन से निकालने के बाद अभी भी गर्मा गर्म लॉग्स को लगभग 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में तिरछे स्लाइस में काट लें। फिर स्लाइसेस को बेकिंग पेपर वाले ट्रे पर रखें और 5 से 10 मिनट के लिए ओवन में दोबारा बेक करें ताकि वे टोस्ट हो जाएं और कुरकुरे बने। जबकि आप अपने कैंटुकी को ठंडा होने का इंतजार कर रहे हो, याद रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी रेसिपी ना छूटे और हमेशा अपडेटेड रहे। हमारी वेबसाइट पर भी जाकर और भी सुझाव और लजीज आइडियाज देखें। क्या आप जानते हैं कि कैंटुकी मध्ययुगीन काल में एक यात्रा की मिठाई के रूप में उत्पन्न हुई थी? इस पारंपरिक टस्कनी विशेषता का चॉकलेट वर्जन इसे और भी अनूठा बनाता है। विन सांतो या एक सुगंधित पासितो के साथ जोड़ने के लिए बिल्कुल सही। इन सुझावों के साथ आपके चॉकलेट कैंटुकी स्वाद के लिए तैयार होंगे और साझा करने के क्षणों को और भी अधिक खास बनाएंगे। बोन अपेतीत और अगली रेसिपी तक।